जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 7 बजे स्पेशल जीके का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अनिल चौहान वर्तमान में किस पद पर है? अच्छा क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीडीएस। यस, ए करेक्ट आंसर है। अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीडीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो दिवस से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो डी करेक्ट आंसर होगा, 11 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन इस प्रकार से है, सातवाहन राज की राजधानी क्या थी? सातवाहन राज की अगर पूछा जाए, स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, सिमुख ने। सिमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तब आप लोग याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर संस्थापक पूछे जाए, सिमुख ने स्थापना की थी, सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे और राजधानी प्रतिष्ठान थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तीन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भारत रत्न? तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत रत्न को प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सांची का प्राचीन नाम क्या है? सांची का प्राचीन नाम बताइएगा। सांची कहाँ पर है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सांची का प्राचीन नाम बताइएगा। गुड मॉर्निंग, जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ए करेक्ट आंसर होगा, काकड़म। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सांची का प्राचीन नाम काकड़म है और सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड भारत का 28वां राज्य है। पूछा जाएगा भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तब आप लोग याद रखिएगा, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। गठन कब हुआ था? सी करेक्ट आंसर होगा, 15 नवंबर 2000 में। यस, सी करेक्ट आंसर है, 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर भारत की जनता में? यस, ये लाइव सेशन है, क्वेश्चन नंबर 29 है ये। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा, भारत की जनता में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सुगौली की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? अगर पूछा जाए सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 में हुई थी। सुगौली की जो संधि है 1816 में हुई थी, किसके किसके मध्य हुई थी, ये आपको बताना है। गुड, ये करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा, सेंडोल एक लोक नृत्य है, जो सेंडोल है एक लोक नृत्य है, मुक्ता कहां से संबंधित है, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका से। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सेंडोल लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कौन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। सी करेक्ट आंसर होगा, नागरिकता का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी तीनों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग इनमें से कौन सा है। ए करेक्ट आंसर होगा, सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन विशाल उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। गुड मॉर्निंग, तापी, सराप्ती, नर्मदा या फिर इंद्रावती। सी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा, किस राज्य में है, तब आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, चाल की ऐसा इकाई बताइए क्या होती है, चाल का ऐसा ही मात्रक बताना है। गुड, गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीटर पर सेकंड। क्या सी करेक्ट आंसर होगा, चाल की ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड होती है, सी करेक्ट आंसर है। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी प्रकार से पूछा गया था कि चाल की ऐसा इकाई क्या होती है, चाल की ऐसा इकाई होती है मीटर पर सेकंड, सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए या फिर यूएसएसआर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है, ये पूछा गया है, यूएसए करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी करेक्ट आंसर है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर है अमेरिका। 15 क्वेश्चन इस प्रकार से है, करेंट का क्वेश्चन है शेख हसीना वर्तमान में किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, बांग्लादेश की राजधानी पूछी जा सकती है परीक्षा में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और अगर पूछा जाए करेंसी क्या है, टका बांग्लादेश की करेंसी है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तब आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है, जो गंडक परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, ए करेक्ट आंसर होगा। 17 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण कहां पर है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण कहां पर है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर कर्नाटक। डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक में। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं होगा, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बांदीपुर अभ्यारण पूछा गया था परीक्षा में, बांदीपुर अभ्यारण भी कर्नाटक में, यस कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, कई बार मैंने आपको बताया भी है, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जा सकती है कोंकणी, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। राजधानी पणजी है, पणजी किस नदी किनारे बसा है? मांडवी नदी के किनारे बसा है पणजी। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा पशु मेला या पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है भारत में? ए करेक्ट आंसर होगा, बिहार के सोनपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है, किस शहर को ताले का उद्योग किस शहर में है? किस शहर इसके लिए प्रसिद्ध है ताले के उद्योग के लिए? यह भी यूपी जीके का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा अलीगढ़। यस, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सभी ने इस पर राइट आंसर दिया, वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, गुड, सी करेक्ट आंसर होगा बृहद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? गांधार कला शैली कहाँ की कला से प्रभावित थी? कोरियाई और मंगोलियाई, फारसी या तुर्की, चीनी, जापानी, यूनानी और रोम। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, गांधार कला शैली कहाँ से प्रभावित थी? डी करेक्ट आंसर होगा, यूनानी और रोम कला से, डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर विखंडन की वजह से? तो सी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। या सी करेक्ट आंसर है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, सी करेक्ट आंसर होगा। 24 इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ या फिर नई दिल्ली में? बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान अगर पूछा जाए कहां पर है, तब भी आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है यह भी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के जो नियमों के अध्ययन है क्या कहलाते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, अनुवांशिकी। यस, अनुवांशिकी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है, कलरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? कलरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर ओडिशा की? तो बी करेक्ट आंसर होगा, केरला की। बी करेक्ट आंसर है, केरल की प्रसिद्ध कला है कलरीपयट्टू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 क्वेश्चन, किसका प्राचीन नाम कामरूप था? कामरूप किसका प्राचीन नाम था? असम, राजस्थान, मणिपुर या फिर केरला? तो ए करेक्ट आंसर होगा, असम का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, असम का जो प्राचीन नाम था कामरूप था, ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, असम भारत का राज्य है, राजधानी दिसपुर है, और असम की अगर पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? असमिया, असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है, गुड। क्वेश्चन नंबर 28, नेपाली भाषा निम्न में से किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है? कर्नाटका, सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से किस राज्य में नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम में बोली जाती है मुख्य रूप से नेपाली भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और सिक्किम की राजधानी पूछी जा सकती है परीक्षा में, क्योंकि राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, या तो किसी देश की राजधानी पूछी जाएगी या फिर किसी राज्य की राजधानी पूछी जाएगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनी माता रोग किससे होता है? लेड, कैडमियम, जिंक या फिर मरकरी?
तो डी करेक्ट आंसर होगा पारा से होता है, मरकरी से होता है, मिनी मातारो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? निम्न में से किस भारतीय राज्य में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है? झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? ए करेक्ट आंसर होगा झारखंड में। यस, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? पूछा जाता है परीक्षा में, रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। गुड, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 मई को, 16 जून को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मई को। यस, बी करेक्ट आंसर है, 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, GUI का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। गुड, करेक्ट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए, निम्न में से कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? इनमें से कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? पोटेशियम, गैलियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम? तो बी करेक्ट आंसर होगा गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जो हथेली में पिघल जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड, 34 के लिए आंसर करिए, डलहौजी हिल स्टेशन कहां पर है? डलहौजी हिल स्टेशन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? ये करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, डलहौजी हिल स्टेशन पर्वतीय स्थल हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार से, विवेक दीपनी पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक बताइएगा। विवेक दीपनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए करेक्ट आंसर होगा, आदि शंकराचार्य ने। यस, ए करेक्ट आंसर है, आदि शंकराचार्य ने विवेक दीपनी नामक पुस्तक लिखी है। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आदि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी संयोजी तंत्रिका या फिर उपकला? बी करेक्ट आंसर होगा, संयोजी ऊतक है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, 37 क्वेश्चन नंबर पॉलिटी से संबंधित है, लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, अटॉर्नी जनरल के पास या फिर CJI के पास? लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग, लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 38 के लिए आंसर करिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? डी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूछ सकते हैं परीक्षा में, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध समय शुरू हुआ था, और जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इन चारों ऑप्शन को याद रखिए, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छे, तो डी करेक्ट आंसर होगा, 1930। क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से है, साइप्रस द्वीप कहां पर स्थित है? साइप्रस द्वीप कहां पर स्थित है? ए करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भूमध्य सागर में स्थित है साइप्रस द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो सूखा रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी? गुड, सूखा रोग पूछा गया है किस विटामिन की कमी से होता है?
ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बोटी बंदरी आंसर करिए, केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा, रासायनिक सूत्र। यस, विटामिन डी की कमी से होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सी करेक्ट आंसर होगा, केसीएल। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है केसीएल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला केसीएल होता है। 42 के लिए आंसर करिए, सेल्कस निकेटर को किसने पराजित किया था? सेल्कस निकेटर को किसने हराया था? बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। 43 के लिए आंसर करिएगा, जो पंचशील समझौता है भारत और किस देश के मध्य हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था? रशिया, चाइना, ब्राजील या फिर श्रीलंका? तो बी करेक्ट आंसर होगा, चाइना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पंचशील समझौता भारत चाइना के मध्य हुआ था, बी करेक्ट आंसर होगा। चाइना भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है चाइना। राजधानी पूछ सकते हैं, बीजिंग चाइना की राजधानी है, सभी याद रखिएगा, बीजिंग चाइना की राजधानी है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट से संबंधित प्रश्न है, वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट है, इसे भी याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, लोयस पठार मुख्यतः किस देश में है? लोयस पठार कहां पर है, कनाडा, रशिया, चाइना या फिर जापान? क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चाइना में लोयस पठार है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? गुड, क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाता भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर कैसे होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और प्रश्न में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, ए करेक्ट आंसर होगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में। अलग अलग क्वेश्चन है ये। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? सभी जल्दी से बताइएगा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु का? यक्षगान पूछा गया है कहाँ का लोक नृत्य है, ए करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। यस, बहुत अच्छे, कर्नाटका का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। 47 के लिए आंसर करिए, शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर ननौबदीज? क्वेश्चन नंबर 47 है ये। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद में बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, पूछ सकते हैं बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद में, सरदार पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में। तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन एसएससी में तो कई बार पूछे जा चुके हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्न में से राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? पहली महिला पायलट का नाम बताइएगा जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया था, शिवांगी सिंह, दीपिका कुमारी, कंचन शर्मा या फिर नन ऑफ दीज? बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा, शिवांगी सिंह। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर है, पायलट है जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया था राफेल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कंचन शर्मा करेक्ट आंसर नहीं होगा, शिवांगी सिंह करेक्ट आंसर होगा, भारत की पहली महिला पायलट है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए,
आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बिहार की हैं, शिवांगी सिंह बिहार की रहने वाली हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, आयरन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च को, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 51 के लिए आंसर करिए, मानसून किस भाषा का शब्द है? क्या पूछा गया है, मानसून किस भाषा का शब्द है? यस सीमा, शिवांगी सिंह बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिएगा, मानसून किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश, अरबी, जापानी या फिर चाइनीज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अरबी भाषा का शब्द है मानसून, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 52 के लिए आंसर करिए, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? सी करेक्ट आंसर होगा, आलार कलाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 53 के लिए आंसर करिएगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पीएस राव, मुकेश सिंह, लालजी सिंह, मुकेश शर्मा, लालजी सिंह या फिर नन ऑफ दी? गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लालजी सिंह को, सी करेक्ट आंसर है, यस बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, माय म्यूजिक माय लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माय म्यूजिक माय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गुड मॉर्निंग, बी करेक्ट आंसर होगा, रविशंकर ने, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, रविशंकर ने माय म्यूजिक माय लाइफ पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस। ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि माय म्यूजिक माय लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रविशंकर ने लिखा है इस पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिए, निम्न में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है? एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित त्योहार दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, तो चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बैसाखी मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है मुख्यतः। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है, छठ पूजा बिहार से संबंधित है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड, 56 के लिए आंसर करिएगा, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां पर है वर्तमान में? प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार या फिर उड़ीसा में? ए करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में है प्लासी की लड़ाई का मैदान। 57 के लिए आंसर करिए, 57 क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस एसिड का प्रयोग किया जाता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए? सिट्रिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्जैलिक एसिड, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्जैलिक एसिड करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 58 के लिए आंसर करिए, अर्जेंटाइन किसका यस्क है? अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? ए करेक्ट आंसर है सिल्वर का, चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइन। चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम होता है। पूछ सकते हैं परीक्षा में चांदी का लैटिन नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अर्जेंटम चांदी का लैटिन नेम है, इसीलिए चांदी को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 59 के लिए आंसर करिए, सुखना लेक भारत में कहां पर है? सुखना लेक कहां पर है, उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर न्यू दिल्ली? गुड,
सी करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़ में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़ में सुखना लेक है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ में सुखना लेक है, सुखना झील है। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस या फिर आयोडीन की कमी से। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 7 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, डेली 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, इसके साथ ही हरियाणा की भी राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन की कमी से होता है गेंगा रोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके 60 क्वेश्चन डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी सुबह अभी 10 बजे, रीडिंग की क्लास होगी, उसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।